الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بما أجل الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام صلى الله على حبيبه محمد وعلى آله. ये क्या बंदों का अपने रब से ताल्लुक अलग अलग है हर शख्स का? हाँ बिल्कुल, हर शख्स का बल्कि हर चीज़ का अपने रब से अलग ताल्लुक है। तमाम सारी मखलूक का, हर मखलूक का अपने रब से अलग ताल्लुक है। वैसा ताल्लुक किसी, बिल्कुल वही ताल्लुक किसी और का नहीं है। फरिश्तों का अपने रब से एक ताल्लुक है, इंसानों का अपने रब से ताल्लुक है, शैतानों का अपने रब से ताल्लुक है, जिन्नात का अपने रब से ताल्लुक है। अच्छा, फरिश्तों में फिर ऐसा है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का ताल्लुक कुछ और है, मिकाइल अलैहिस्सलाम का ताल्लुक कुछ और है, इज़राइल अलैहिस्सलाम का ताल्लुक कुछ और है, और इसराफ़ील अलैहिस्सलाम का ताल्लुक कुछ और है। हर फरिश्ते का, और फरिश्तों की तादाद क्या है, वहाँ या आलम जुनूद रब्बी का इल्ला हूँ, कि रब के सिवा उसके फरिश्तों को यानी उसकी फ़ौज को कोई नहीं जानता, क्या तादाद है इसकी। तो अब ताल्लुक़ तो ऐसा है कि हर शख्स का अलग ताल्लुक़ है, जमादात का ताल्लुक़ यानी चट्टानों का, बेजान जिनसे हम कह देते हैं पत्थरों का ताल्लुक़, वो कुछ और है अपने रब से, नबदात का ताल्लुक़ कुछ और है, फिर हर पौधे का ताल्लुक़ कुछ और है, हर पौधे में पत्तों का ताल्लुक़ कुछ और है, तने का ताल्लुक़ कुछ और है, जड़ का ताल्लुक़ कुछ और है, जड़ के हर रेशे का ताल्लुक़ कुछ और है, पत्ते के हर रग का ताल्लुक़ कुछ और है। इसी तरह इंसान के आज़ा हैं, सर का ताल्लुक़ रब से है वो कुछ और है, आँखों का कुछ और है, ज़बान का कुछ और है। यूँ समझें कि ज़र्रे ज़र्रे का जिसका वो खालिक है, चाहे वो जरासीम हो, जरासीमों के अंदर भी वायरस होते हैं, छोटी से छोटी मखलूक यानी जो हम देख सके, या हम उसके बारे में अभी हमने सुना है, या ऐसे भी हैं कि जिनके बारे में हमने अभी सुना भी नहीं है, वो मखलूक भी शायद ज़हूर कर जाए कभी। अच्छा, हवाई मखलूक है, फ़ज़ाई मखलूक है, आसमानी है, पानी की है, पानी के नीचे कीचड़ है, कीचड़ की भी है, कीचड़ के नीचे फिर मिट्टी है, फिर लावा है, उसमें क्रिस्टल्स हैं, धातें हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की, पता नहीं क्या 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 अल्लाह ने क्या क्या मखलूक बनाई है। और ये सिर्फ ज़मीन की बात है, फिर फ़ज़ाओं में, आसमानों में, क्या कहते हैं, स्पेस में क्या क्या मखलूक हैं हमें नहीं पता, लेकिन हर मखलूक के हर फ़र्द का अल्लाह तबारक व तआला से अलग ताल्लुक है। वो जो रब से कलाम कर सकता है खुद डायरेक्ट, और उसने सबको इजाज़त दी है कि जिसका वो रब है वो उसकी शहरक से करीब है। अब पहाड़ों की शहरक कुछ और है, आसमानों की शहरक कुछ और है, हमारी शहरक कुछ और है, ज़मीनों की शहरक है, हर मखलूक की कोई शहरक तो है ना। शहरक का माना क्या है कि उसका वजूद, उसका वजूद जिस चीज़ पर डिपेंड करता है, मबनी है, वो उसकी शहरक है। तो जो चीज़ वजूद रखती है, मौजूद है इस कायनात में, उसका अपने बनाने वाले से एक ताल्लुक है। अच्छा, जो मादूम है, अभी ये ज़रा थोड़ा समझने की बात है, तो अहले इल्म हज़रात समझ लेंगे इसको।
मौजूदात का तो ताल्लुक उससे है ही, मादूमात का भी ताल्लुक उससे, कि जो मखलूक ना उसने बनाई है ना बनाएगा, वो मादूम है, मादूम ही रहेगी। मादूम माना नथिंगनेस, कुछ ना होना। उनका भी रब से एक ताल्लुक है, अल्लाह से ज़ात से एक ताल्लुक है, कि ये इनको नहीं बनाएगा, ना बनाया ना बनाएगा। तो किसी भी नस्बत का कायम होना ताल्लुक है ना। अब हमसे उसकी बेशुमार नस्बतें हैं, बंदों की बात अगर हम करें या जिन्नात और फरिश्ते और इंसानों की बात करें तो हमसे उसकी नस्बतें बेशुमार हैं, बेशुमार, शुमार ही नहीं कर सकते। मोटी मोटी बातें हम समझ सकते हैं, भाई वो हमारा खालिक है तो हम मखलूक हुए, एक ताल्लुक हो गया हमारा, हमने समझ लिया हमारा। फिर हम रिज्क पाते हैं, वो रिज्क देता है, तो राजिक कौन हुआ, तो रिज्क का ताल्लुक बीच में आ गया। फिर हम जिंदा हैं, वो ज़िंदगी देने वाला है, तो वो मुहयी है और हमको उसने ज़िंदा बनाया, हाई बनाया। फिर मौत का भी ताल्लुक है कि वो मौत देने वाला है और हम मौत कबूल करने वाले, मौत हम पितारी होगी। इसी तरह गमी है, खुशी है, इंसान की जितनी भी कैफियत हैं, हर कैफियत का वो खालिक है और हर कैफियत से हमारा उससे एक ताल्लुक बनता है। गमी में हमारा ताल्लुक रब से कुछ और हो जाता है और खुशी में हमारा ताल्लुक कुछ और हो जाता है। गुस्से में जब हम चीज़ों पे गुस्सा कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा रब से कुछ और ताल्लुक होता है, और जब हम किसी को माफ़ कर रहे होते हैं तो हमारा रब से एक ताल्लुक बनता है, वो कुछ और होता है। तो जैसी कैफियत वैसा ताल्लुक, देखा जाए तो वही एक ही ताल्लुक है कि वो हमारा रब है, हम उसके बंदे हैं। ये इसमें सब चीज़ें आ गई, ठीक है, सब बातों की एक बात, सौ बातों की एक बात, कि वो खालिक है, हम मखलूक है, ठीक है। तो मेन ताल्लुक तो हमारा ये है कि वो हमारा खालिक और मालिक है, हम उसकी मखलूक और उसकी ममलूक है, मेन ताल्लुक ये हमारा। लेकिन इसकी बारीकी में जाएं तो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों ताल्लुक बनेंगे लोगों के, चीज़ों के रब से, और वो हर ताल्लुक को निभाता है, और वो हर ताल्लुक में कमाल दर्जे की उसकी सिफत कमाल है। उस एतबार से जो सिफत वो ज़ाहिर करेगा, वो उस सिफत में उसको, यानी उसको कमाल है, वो सिफत उसकी कमाल की है। चाहे वो बेनियाजी की सिफत है तो भी कमाल की है, अता की सिफत है तो भी कमाल की है, काबिदों की सिफत है वो भी कमाल की है, मोती की सिफत है वो भी कमाल की है, हादी की सिफत है तो कमाल की है, मुगल की सिफत है तो वो भी कमाल की है। अब देखे ना, हिदायत उसने दी, अम्बिया किराम को दी, मुमकिन ही नहीं है वो गुमराह हो जाए, इम्कान में ही से नहीं है, क्योंकि उनको हिदायत देने वाला वो है, उन पे सिफत कमाल की सिफत उसने जाहिर फरमाई। ये कुछ भी हो जाए, और वो बंदे जिसको, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना बंदा फरमाया, जब शैतान ने कहा कि मैं तेरे बंदे को गुमराह करूँगा, तो अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, ठीक है करो तुम, लेकिन जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा जोर नहीं चलेगा, है ना। तो सिफत हिदायत उनको अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर ज़ाहिर फरमा दी कि इनको रुश्द व हिदायत हासिल रहेगी। दूसरी तजल्ली मुदिल्लुन की है, जो कि शैतान पर है, इसके अगेंस्ट क्या कभी शैतान तौबा करेगा, अपने फेल से बाज आएगा, इसको जहन्नम में डाला जाएगा रिवायतों के मुताबिक हज़ारों साल या लाखों साल के बाद, या एक रिवायत के मुताबिक हर एक लाख साल के बाद इसको निकाला जाएगा जहन्नम से, और पूछा जाएगा कैसे ये जहन्नम, तो बोलेगा बहुत मुझे तकलीफ है, बहुत अजाब में हूँ। तो इसको कहा जाएगा देख आदम और उसकी औलाद जन्नत में है, तो इसको बड़ी तकलीफ़ होगी,
फिर इससे कहा जाएगा अच्छा अगर तू अभी भी तौबा कर ले और आदम को सजदा कर ले तो तेरी माफ़ी हो सकती है, तो कहेगा नहीं ना 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 ये नहीं हो सकता, दोबारा जहन्नम में झोंका जाएगा। कैसी सिफत जाहिर हुई इस पर मुदिल की, मुदिल का मान है ना गुमराही पर छोड़ देना, इसका बाअदब तर्जमा ये है। मुदिल का माना होता है लफ्जी तर्जमा गुमराह करना, तो अहले सुन्नत व जमात इसका बाअदब तर्जमा करते हैं और कहते हैं मुदिल का माना जब रब के साथ किया जाएगा तो इसका माना होगा कि मखलूक को उसकी मन मानी की वजह से, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, फासिक उसके फिस्क व फजूर की वजह से, ना फरमानी की वजह से, अल्लाह तबारक व तआला फिर उसको उसके हाल पे छोड़ देता है, उसको उसके नफ्स के हवाले कर देता है और नफ्स ने कहाँ लेकर जाना है उसको, गुमराह ही करेगा मुदिल। तो ये तजल्ली कैसे कमाल की है कि शैतान तौबा करेगा नहीं करेगा, आज उसको पता मैं जहन्नम में जाऊंगा फिर भी तौबा नहीं करता गुमराह, जब वो चला जाएगा जहन्नम का मज़ा भी चख लेगा तब भी तौबा नहीं करेगा, है ना। और वो खालिक व मालिक है सारी कायनात का, सब आप देखें कायनात जो हमारे साइंसदान हैं साइंटिस्ट हैं ये बता रहे हैं कि भाई अरबों खरबों नूरी साल के फासले हैं, कायनात इतनी बड़ी है और हर ज़र्रे का अल्लाह से ताल्लुक है, उन सब पर वो कादिर है, कुदरत रखता है, मुहीत है, कोई उसके कब्ज़े से बाहर नहीं, सबका राजिक भी है, सबको उसने कायम रखा हुआ भी है, कयूम है वो। तो कितनी सारी बातें हैं जो हम अगर इसको फैलाते हैं कि क्या बंदे का या कायनात का अल्लाह ताला से क्या ताल्लुक है, तो ये ताल्लुक़ हर लम्हे बदलता रहता है, ताल्लुक है लेकिन इसकी नौयत हमेशा बदलती रहेगी। कभी बंदे को अल्लाह ताला की रहमत की आस होती है, रजा की कैफियत में आ जाता है, कभी अजाब का खौफ होता है तो घबरा जाता है, कभी गफलत तारी हो जाती है इस पर तो भूल भी जाता है, कभी दिल सख्त हो जाता है तो जानबूझ के गुनाह करता है तुग्यान में आ जाता है, तागी हो जाता है बागी हो जाता है, कभी इनकार की सिफत आती है तो माज़ल्ला कुफर कर जाता है, फिर कभी नदामत होती है तो तौबा कर लेता है। ये सारी सिफात सारे ताल्लुक बंदे के रब से हैं, ये तो मुकल्लफ है ना हम लोग, तो बेजान चीज़ों से उसका ताल्लुक है और कमाल रब है, कमाल उसकी सिफात का ज़हूर है। ये बात आजकल शरीर से ज़ाहिर नहीं होती, तो क्या इनका बदल मजलूम को सिर्फ आखरत में मिलेगा, दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा इनको? हाँ ये एक बात है जो कि अक्सर लोग बेचारे परेशान होते हैं कि यार ये देखो क्या हुआ, शरई सज़ाएं तो है नहीं, काजी नहीं है, कोर्ट नहीं सही फैसला करती, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मजलूम की ढारस के लिए कयामत का दिन रखा है और जालिम को डराने के लिए कयामत का दिन रखा है कि वमा कान रब्बु का नसीया, तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है, तो जो उसकी नाफरमानी करेगा वो भी याद रखे कि मेरे रब भूलने वाला नहीं है, और जो उसकी फर्मा बरदारी कर रहा है वो भी याद रखे कि मेरा रब भूलने वाला नहीं है, जो मज़लूम हो वो भी याद रखे कि मेरा रब है जो मेरा इंतकाम लेगा और मुझे मेरा हक लेकर देगा, है ना। तो इसी तरह मोमिन को ढारस है और काफिर को तंबीह है, इस आयत में बड़ी कमाल की आयत है, ये जामे माने आयत है कि इसमें हर एक अपने आप को देख ले कि जो वो अमल कर रहा है उसका जवाब उसको देना है। अच्छा यहाँ पर दुनिया के जो मामलात हैं, दुनिया के मामलात को चलाने के लिए शरीयत को रखा गया है और आखिरत के मामलात हकीकत है। अब यहाँ पर कोई शख्स है झूठे गवाह लाकर
किसी पे इल्ज़ाम लगा देता है, और काजी, अगर काजी भी होते थे पहले, जाहिर सी बातें होते ही थे, और सब काजी बुरे भी नहीं होते थे और सब अच्छे भी नहीं होते थे, बिक भी जाते थे काजी कि लाओ भाई क्या कीमत लगा रहे हो, लाओगे तो मैं तुम्हारे मुखालिफ को सज़ा दे दूँगा, और जो भी इसके तकाजे हैं गवाह होंगे वो पूरे कर लो, या मैं बता देता हूँ कैसे पूरे होंगे तकाजे, ऐसे कर लेना बस मुझे इतने मिल जाएं और तुमको इतने मिल जाएंगे, करवा लेंगे। दो गवाह कायम करके किसी का हाथ कटवा दिया, चार गवाह कायम करके किसी को संसार कर दिया, ऐसे भी हुआ होगा, जैसे आज होता है फांसी की सज़ा हो जाने, बेकसूर को फांसी की उस पर जो है वो डाल देते हैं, सज़ा लगवा देते हैं उसको, कसूरवार जो है वो ऐश कर रहा होता है। तो ये हम देखते रहते हैं मामला। फिर सवाल आता है कि भाई अगर रब ताला जो है वो इंसाफ करने वाला है तो क्या क़यामत के दिन ही होगा खाली इसका इंसाफ, या यहाँ पे भी कुछ होगा? तो हकीकत में जो पूरा पूरा इंसाफ होगा उसके लिए तो क़यामत का दिन है, पूरा पूरा इंसाफ, कि जब होता हुआ नज़र आएगा। कहते ना इंसाफ वो होता है जो होता हुआ नज़र आए, जिससे मजलूम का दिल ठंडा हो जाए। यहाँ पर बस इतना होता है मामला कि उसको मजलूम को बाजों का तो नहीं भी पता चलता कि जिसने मेरे साथ जुल्म किया था उसके साथ क्या मामला हुआ, लेकिन जालिम को पता चल रहा होता है यार ये मैंने फलां के साथ किया था ना, इसके बदले में ही शायद मेरे साथ ये हो रहा है, उसको उसका ज़मीर गवाही देता है कि मेरे साथ जो ये वाला मामला हो रहा है ना, मेरा ख्याल है ये फलां वजह से हो रहा है, इसको ज़मीर कहते हैं। कैसे ही जालिम से जालिम आदमी होता है जब उसका कोई कमज़ोर लम्हा उस पर आना शुरू होता है। हदीस पाक में ये भी है कि अल्लाह जालिम को छूट देता है, लेकिन जब उसको पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं है। जब वो पकड़ में आ गया, पकड़ में आने से पहले पहले उसके पास तौबा करने का टाइम है कि वो तौबा कर ले। अब पकड़ में आ गया तो अब उसकी तौबा में सज़ा शामिल हो गई है कि सज़ा का कुछ हिस्सा तो उसको यहाँ मिलेगा ही मिलेगा, ये तय है, ये तय है। मैंने एक वाक़या सुना ऐसे ही, एक आलिम साहब हमारे बयान कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि जो है वो हम लोग एक जगह जा रहे थे तो वहाँ थाने के करीब से हमारा गुज़र हुआ, तो एक बाहर खड़े हुए शख्स ने मुझसे बोला कि मौल साहब मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो मैंने कहा भी क्या दुआ करनी है? तो वो रोने लगा, कहने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया, मुझे उसका बदला मिल रहा है। मैंने बोला भाई क्या हुआ? तो उसने फिर अपना वाक्या उसने जो ना बताया, कहने लगा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुए थे तो उस दौर की बात है कि हमारी ड्यूटी यानी उस टीम में थी, यानी मेरी ड्यूटी थी कि जो तफ्तीश करती थी कि भाई किसके अगवाकार एक किसको उठा के ले गए और वो कहाँ मिलेगा। तो मेरे पास रिपोर्ट आई, हमारे बड़े के पास रिपोर्ट आई कि भाई एक लड़की जो है वो यानी अगवा हुई है पाकिस्तान से, और वो फलां गांव में किसी सिख ने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है हिंदुस्तान। तो हुकूमतों को मुआहदा था शायद आपस में उस वक्त, तो खैर हमें यहाँ से हुकूमत ने भेजा भाई तुम जाओ तफ्तीश करो कि वो लड़की अगर है तो उसको लेकर आओ। कह रहे अब हम गए, तीन आदमी थे, हमने जाके तफ्तीश की, देखा तो पता चला कि भाई इस घर में वो लड़की मौजूद है। कहने हमने उसका दरवाज़ा बजाया और उसको कहा भाई हुकूमत की तरफ से हम आए हैं, तुम्हारी हुकूमत की इसके अंदर वो शामिल है, तो अब जो है वो तुम लड़की लेकर आओ कहाँ पर है। उसने बोला, काफ़ी टाइम क्योंकि हो चुका था, 6 महीने 8 महीने शहर या साल हो चुका था, उसने बोला भाई अब तो ये मेरी बीवी है, अब तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये मैंने तो इससे शादी कर ली है। तो इन्होंने कहने लगे हमें बहुत गुस्सा है कि भाई हमारी बहन है मुसलमान है, एक सिख उससे कैसे शादी कर सकता है। तो ताव में आकर गुस्सा जो है करने लगे कि कैसे हो गया ऐसे, और ज़बरदस्ती की शादी तो होती नहीं ऐसे।
बोले यार देखो तुम्हारे इस्लाम का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने बोला हम तो ऐसे शादी करते तो हो जाती है बस। तो कहने लगे कि हमने बड़ा गुस्सा किया। उसने बोला तुम बैठो तो सही, बैठो तो। कह रहे पहले उसने हमें लस्सी का पूछा, खाने का पूछा। बोला मैं तुमको तुम्हारे सामने एक डील रखता हूँ, तुम्हें समझ में आए भी लड़की जाना चाहे तो। मीठी मीठी बातें की उसने, कहा तुम ठंडा किया उसने हमें। कह रहे हम लोग बैठ गए, उसने हमें खाना वाना खिलाया, लस्सी दी। उसके बाद वो पैसे लेकर आया, यानी सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के जो उस वक्त चलते थे, जो दोनों तरफ चल सके यानी इधर भी उधर भी। तो कुछ सोना वो लेकर आया। उसने कहा कि तुम्हारी तुम जिस महकमे में हो तफ्तीश कर रहे हो, तुम्हारी तनख्वाह जो है ना 10 साल की तनख्वाह से ज़्यादा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, एक एक को इतने पैसे मिल जाएंगे, 3 हो तुम तो ये तुम ले लो, लड़की छोड़ दो, लड़की अब मेरी बीवी है और हम अपनी इज्जत को, मैं उसको मार दूँगा, कत्ल कर दूँगा, मैं दूँगा नहीं तुम्हें, तो वो मर जाएगी तो तुम देखो उसकी भी ज़िंदगी जाएगी और तुम्हें भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उसने हमें एक तरफ मौत और एक तरफ उसने बाग दिखाया और बोला कि तुम पैसे ले लो ना, जान छोड़ो अपनी। कह रहे बस हमने पहले एक की नीयत ख़राब हुई, फिर दूसरे की नीयत, फिर तीसरे की भी हो गई, हमने पैसे ले लिए। अरे उस वक्त हमारे पास वो 3,000-3,000 रुपये आए उस टाइम, उस वक्त 9,000 रुपये थे बेटा, तो 3,000 रुपये उस वक्त आए, यानी ये उस वक्त की बात है, शायद कि 10 रुपये तनख्वाह होती होगी या इससे भी कम होती होगी तनख्वाह। कह रहे वो हम लेकर तो बेगैरत बन के तो आ गए, हमने बोल दिया भाई लड़की नहीं है इधर, मर खप गई पता नहीं क्या, कहाँ गई। तो हमने कहा थी ये तो बात हो गई, तो इसका तुम अब रो क्यों रहे हो अब? कहने का नहीं आगे चलो। मतलब फिर मैंने शादी कर ली, मेरी बेटी हो गई, बेटी बड़ी हो गई, अब उसको अगवाकार उठा के ले गए। अगवाकार पैसे वाले बंदे हैं, मैंने तो वो पैसे अयाशी में आराम माल था, आराम जगह चला गया, ख़त्म कर दिए वो मैंने पैसे। बच्चे भी थे तो बच्चों ने मुझे निकाल दिया, मैं रिटायर हो गया हूँ उस पोस्ट पे से। तो इसके लड़की के भाई हैं तो वो अपनी अपनी बीवियों को लेकर अलग हो चुके थे, उनका कोई ताल्लुक नहीं है अब। ऐसे बता हराम खिलाएंगे तो बच्चों में गैरत कहाँ से आएगी। अल अमान वल हफ्ज। वो भी भाई भी अलग हो गए, कह रहे मैं हूँ और थाना कचहरी है, मैं जाता हूँ यहाँ पर। वो कहते हैं कि अब वो जो भी फैसला करने वाला था, जज कह ले उसको या पुलिस का कोई, कह रहे वो कह रहे भाई तुम हमें इतने पैसे दे दो तो लड़की तुम्हें दे देंगे, वरना समझ लो कि मर खप गई। वही अल्फाज, वही रवैया मेरे सामने आ गया। कह रहे अब मेरे पास वो पैसे नहीं है और वो रकम वही बन रही है जो उस वक्त मैंने ली थी। कह रहा मेरे ये अलामा साहब मेरी बात ये बयान भी करना लोगों में और मेरे लिए दुआ भी कराना कि इस दुनिया में बदला मिल जाता है, चाहे मजलूम को पता चले या ना चले, जालिम को अल्लाह बता देता है, उसका दिल गवाही देता है कि मैंने ये किया था ना, मेरे साथ ये मामला है। और ये एक नहीं है, आप जिससे पूछेंगे वो आपको कुछ ना कुछ बताएगा कि हाँ ऐसा मामला हमारे भी एक फला जानने वाले के साथ हुआ है। तो दिखाया यानी ये मामला जो है वो आपको सैकड़ों नहीं हज़ारों वाकयात आपको मिल जाएंगे, ऐसे ही लोग आपको बता रहे होंगे कि हाँ यार उसके साथ भी हुआ था ऐसे, उसके साथ भी हुआ था, वो बता रहा था मेरे साथ भी हुआ। अच्छा छोटे 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 मामलात में होता है। कुछ का तो ये है कि अहादीस में भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत से गुनाहों की सज़ा इंसान को क़यामत में जैसे मिलेगी है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी उसकी सज़ा जब तक बंदा नहीं पालेगा मरेगा नहीं। माँ बाप की नाफरमानी की सज़ा उसको जब तक मिल नहीं जाएगी वो मरेगा नहीं। आप देखें अच्छा उसकी
सज़ाओं की मुख्तलिफ सूरतें भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसा जुर्म बंदे ने किया था बिल्कुल वैसा ही उसके साथ हो, कुछ और भी हो सकता है। मेरे नाना डॉक्टर थे और बता रहे कि एक केस मेरे पास ऐसा आया कि मैं अभी हैरान हो गया। कहने का एक पुलिस का डीएसपी था, उस वक्त वो डीएसपी हो बन चुका था, तो उसने जो अपना वाक्या मुझे सुनाया। मरीज़ बन के वो एक अपनी बेटी को लेके आया था मेरे पास, कह रहा था कि भाई मेरी बेटी है, आप इसको देखें ज़रा। क्या था कि कह रहा मेरी बेटी है, इसके पसीने में हद दर्जा बू आती है, बू नहीं जाती इसके पसीने से, और सर्दियों में गर्मियों में हर वक्त पसीना बहता रहता है, समझ लो एक बदबूदार मादा है जो उसके जिस्म से निकलता ही रहता है। दूसरी बात ये कि उसकी बेटी को देखा तो उसकी पूरी दाढ़ी और मूछें, और कहा कि इतनी रैपिड ग्रोथ थी उसके बालों की कि एक दिन में वो वाजे, अगर वो एक दिन शेव भी कर दो उसकी, अगले दिन वो वाजे उसको यानी बाल आ जाते थे, लगता था कि लड़का बैठा हुआ है। ये मेरे नाना ने मुझे बताया। मैंने कहा यार क्या हुआ ये तो मुझे, ये बीमारी तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही। हमें भी डॉक्टर थे हमारे वाले जाने नाना, कहने लगे नहीं मुझे समझ में नहीं आया कि ये कौन सी बीमारी हो सकती है ये। तो वो रोने लगा, कहने लगा ये मुझे पता है ये बीमारी नहीं है। मतलब मैं वो था एक जगह थाने थाने में थाने का इंचार्ज था, तो ऐसे हुआ कि किसी बासर यानी घराने के एक आदमी ने कत्ल कर दिया किसी को, कत्ल किया तो मैंने इसको पकड़ लिया, जोश जज्बा था मैंने इसको पकड़ लिया। मैंने कहा भाई आ जाओ, गिरफ्तार कर लिया। अब उसका बाप अपने लाओ लश्कर समेत और ब्रीफ केस लेकर पैसे लेके वो आ गया, और अब उसने कहा कि भाई इस बंदे को, अच्छा मैं उसकी गिरफ्तारी के कुछ तकाजे थे वो मैंने पूरे कर दिए थे, या क्या मामला था, दबाव भी था कि इस बंदे के कातिल गिरफ़्तार किया जाए, तो मैंने गिरफ़्तार कर लिया था। लेकिन जब कातिल के रवाही की ना आए तो उन्होंने मुझे पैसे बहुत दिए और कहा कि इसको छोड़ दो। मैंने कहा तो फिर इसकी जगह मैं किसको फिट करूं? मैंने लोगों को भेजा, उसका हम नाम मुझे मिल गया एक जगह से वही करीब में। मैंने कहा यार इसी नाम का बंदा कोई लेकर आओ। मैं लेकर आया, उसको गिरफ्तार करके मारते पीटते लेके आ गए कि तूने कत्ल किया। लड़का था नौजवान, उसने बोला भाई मैंने कत्ल नहीं किया। किसको कत्ल किया मुझे तो ये भी नहीं पता कि मकतूल कौन है। कहना नहीं तूने किया। अब जो जालिमों का तरीक़ाकार होता है इनका, मारा पीटा और उसके ऊपर ना पर्चा काटा, गवाह कायम किए ज़बरदस्त, और उसको फांसी की सज़ा हो गई, केस भी चला, फांसी की सज़ा करा दी उसको। अब उसकी वालदा थी उसकी एक, और बूढ़ा बाप था, बाप का इंतकाल हो गया था, बूढ़ी माँ उसकी बार 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 आती थी थाने, कह रहा अब हम अपनी फिरौनियत में थे उस वक्त, हमने बोला माई इधर ना आया कर तू, अब तेरा मामला ये तेरा बेटा जेल में चला गया और ये वो। कह रहे हैं उसको कुछ अरसे के बाद उसको फांसी हो गई। लाश वसूल करने के लिए उसकी माँ आई ना, तो कह रहे वो रो धो के ना, जितना तो रोना धोना था वो रो के फारिग हो चुकी थी। जब उसने लाश मेरे से वसूल की या जहाँ से भी, तो मेरे पास आई, उसने कहने लगी तूने मुझे औलाद का दुख दिया, अल्लाह तुझे औलाद का ही दुख दे। कह रहे बस, मैंने कहा चल चल माई निकल निकल यहाँ से, रफ्तार दिखा जा यहाँ से, तेरे जैसे बहुत आती हैं रोज़ बद्दुआ देते, अगर हम यूँ करने लगे तो इंसाफ कैसे होगा वगैरह वगैरह। मैंने उसको अपनी झूठी एक हेकड़ी जमाई, उसको मैंने बोला निकल यहाँ से, तो बेचारी रोती धोती चली गई अपने बेटे को लेकर। कह रहे वो वक्त गुजर गया, मेरे पास ये जो है ना औलाद हो गई, और अब ये बेटी है,
बेटा कोई नहीं है, बेटी है, सारी जायदाद मेरी ये है, इसके पास है, और इसके पास कोई बैठना गवारा नहीं होता किसी को, हम भी नहीं बैठ सकते, रुमाल नाक पे रख के बैठते हैं, इसको ऐसी है कि क्या करें। मुझे अब मैंने उस माई को ढूंढना शुरू किया, वो बेचारी मर खप गई, उसी दौरान ही मर गई थी वो तो, जब उसके बेटे को मारा था। तो कह रहा माफ़ी मांगने की जगह भी नहीं है, क्या करूँ मैं, इलाज कराता रहता हूँ, कभी यहाँ से कभी वहाँ से कभी वहाँ से, इलाज नहीं होता इसका। और ये रोती है बेचारी, ये तो बच्ची, तो बच्ची तो प्यारी तो होती है, बेटी तो सबको प्यारी होती है, कह रहे हैं फिर रोती है तो क्या करूँ मैं इसका, इससे ज़्यादा मैं रोता हूँ। अब वो उसको एहसास से जुर्म भी हो गया, अल्लाह उसको माफ़ करे, गलती होती इंसान से ही होती गलती, लेकिन ये है कि जिसको कहते हैं ना मकाफात अमल, ये दुनिया में भी 10% 20% तो मिलता ही है। हाँ, लेकिन वो अजाब ये भी उसको मिलता है जिसको तौबा करानी होती है, ये भी एक बात है कि जिसका आगे का मामला कुछ हल्का रखना होता है, जिसको तौबा की तौफीक देनी होती है कि अभी भी मौका देख ले, तौबा कर ले, तेरे वहाँ की सज़ा नहीं होगी, बच जाएगा। तो जो लोग तौबा कर लेते हैं तो समझ लें कि उनका मामला यहाँ पे निमट जाता है, और जो उस पर भी यानी अकड़ते हैं कि मेरे साथ क्यों हो गया और मैंने ऐसा क्या किया था, और कोई मेरा तो यह नहीं था, अपनी गरीबान में नहीं झांकते, तो फिर उनका मामला आखिरत पर ही जाएगा, फिर 100% वहीं होगा। अल्लामा बुजुर्गान दीन जो मसनद इरशाद पर आते हैं, नसीहत करते हैं, तो इन ये जब कोई बात कर रहे होते हैं तो इनको क्या वो लफ्ज़ बलफ़ पूरे पूरे जुमले उनके ऊपर इल्हाम हो रहे होते हैं, या फिर वो एक कोई नुक्ता होता है जिसको अपनी ज़बान में एक बता रहे होते हैं? देखिए ये तो बात है कि बुज़ुर्गों की बात है, ये तो आवाम जैसे हम जैसे कोई आवाज आ जाए मेंबर पे आ जाए बयान करना शुरू कर दे, मसनद पे बैठ जाए और अपना मुँह शगाफियाँ शुरू कर दे, वो अलग बात है, उनकी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ऐसे लोग कि जो मिन जानी बिल्ला अल्लाह तबारक व ताला ने हिदायत के लिए जिनको बनाया है, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला उनकी हिफाजत भी करता है, उनके कलाम की भी हिफाजत करता है, उनके कलम की भी हिफाजत करता है, बल्कि उनके किरदार की भी हिफाजत करता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे सामने बहुत बड़ी मिसाल सैयद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत की है कि आपकी 1,000 कुतुब और आपके करोड़ों दुश्मन और लाखों हासिदीन भी होंगे उसमें, आज तक आपकी किताब में आपने फतावा दिए ना 1,000 किताबें लिखना, चलो वो सारी मंज़र यहाँ पे नहीं आई, जितनी भी मंज़र यहाँ पर आई हैं उनमें गलती नहीं निकाल सके, साबित नहीं कर सके कि ये गलती है जी। अगर कुछ आपकी तरफ मंसूब किया तो पता चला वो झूठ ही था, आपने लिखा ही नहीं ऐसा कुछ, किसी ने लिखकर आपकी तरफ मंसूब कर दिया। ये तो हुआ है कि आपकी तरफ मंसूब कुछ कलाम कर दिया लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में शाया नहीं हुआ, ना आपने उसको ऑन किया, ना आपका उससे कोई ताल्लुक साबित हुआ। जो चीज़ें आपसे साबित हैं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से, वो ऐसी हैं कि वो हिदायत ही हिदायत है उसके अंदर, रुश्द हिदायत है उसके अंदर, तो इनका कलाम भी महफूज है। तो ये इनकी करामत ही होती है बुज़ुर्गों की कि अल्लाह तबारक व तआला ने, क्योंकि इनको मसलहत ये होती है कि इनसे हिदायत का काम लेना होता है, तो इनको खसूसी प्रोटोकॉल दिया जाता है कि इनके ज़बान और कलम को, किरदार को महफूज बनाया जाता है। इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला ने देखे, आपसे जितने भी मसाइल हैं उनसे इख्तिलाफ़ उलमा ने किया है, उन मसाइल को ग़लत नहीं कहा कि ये मसला गलत है, कहा हाँ उस दौर में ऐसे था अब ऐसे होना चाहिए। इख्तिलाफ़ इल्मी तो हो सकता है, कर सकते हैं जो भी अहले इल्म होगा, और ये ज़रूरी नहीं है कि इख्तिलाफ़ बाद में आकर इख्तिलाफ़ करने वाला उसकी बात ही ज़्यादा सही हो,
ये भी हो सकता है कि इख्तिलाफ करने वाला खता पर हो, ये भी हो सकता है। तो इतने बुज़ुर्गों ने जो कलाम लिखे हैं किए हैं, तो करीने कयास तो यही है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको ख़ता से महफूज रखता है, ताकि ये लोग हिदायत का बायस बने, फितने का बायस ना बने। हाँ, जहाँ कहीं खुद गर्जी आ जाती है, ऐसा भी हुआ है कि कभी किसी शख्स के ज़िंदगी के दो पहलू भी हुए, जैसे इब्ने तीमिया, इब्ने तीमिया की ज़िंदगी का जो पहला दौर था तो ये बहुत बड़ा आलिम था और लोग इसके इल्म की कस्में खाते थे, बुज़ुर्ग उलमा तक इसके इल्म का एहतराम करते थे, कहते हाँ भाई मा तहत आदिम समा आलम मिन अबी मिन इब्न तीमिया, इस तरह करके है कि आसमान के नीचे तीम जन इब्न तीमिया से बड़ा आलिम ही नहीं है कोई, ये अल्फाज उसके लिए कहे जाते थे। तो उसने बाद में क्या किया, आखिरी दौर में अपने आकर उसको इल्म का खुमार चढ़ गया और तहकीकात और तदकीकात शुरू कर दी, ऐसी बातें कि आप भी सुनकर तौबा तौबा करेंगे। इसने कहा कि एक हदीस बागी शरा बयान करते हुए कहा, हदीस बाग में है ला तुशद्दुर रिहालू, ये हमारा मौजू नहीं था, अब निकली है बात, तो मैंने कहा चलो इसको अर्ज़ कर दूँ थोड़ा सा, कि हदीस बाग में है कि कजावों को सवारियों के कजावे न कसे जाएं इल्ला इला सलासती मसाजिदा, मगर इजाज़त है कि तीन मस्जिदों की तरफ तुम जा सकते हो। एक तो मस्जिद हराम है कि तीन मस्जिदों में सवाब ज़्यादा है, वहाँ पर 1,00,000 गुना सवाब है, मस्जिद नबवी है उसका 50,000 गुना सवाब है, मस्जिद बैतुल यानी जो क्या होते हैं मस्जिद अक्सा है उसका 25,000 गुना सवाब है। ये तीन तरफ आप अपनी सवारियों को बांध के जा सकते हैं, हदीस पाक में ज़ाहिर अल्फाज ये हैं। अब इसका मकसद तो ये था कि भाई सवाब की नीयत से किसी और मस्जिद में ख़ास सवाब नहीं है, आपके मोहल्ले की मस्जिद हो या जामिया की मस्जिद हो या शहर की बड़ी मस्जिद हो या वहाँ जिस मस्जिद में एसी लगा हुआ हो या कारपेट बिछा हुआ हो, तो वहाँ पे सवाब ज़्यादा नहीं होगा, आपके मोहल्ले की कच्ची मस्जिद में वही सवाब है 27 गुना 25 गुना जो कि वहाँ पे जाकर होगा। तो ये तीन मस्जिदों का यानी इख्तिसास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। ये तो उलमा अहले सुन्नत ने और समझ में भी ये आ रहा है कि मुराद यही थी इसकी। अब इब्ने तीमिया ने क्या कहा इस पर कि भाई तीन मस्जिदों के अलावा किसी और तरफ सवारी का रुख करना, लेकर जाना और सफ़र के लिए कजावे बांधना हराम है। अरे ये क्या हुआ भाई, अब यानी कहीं जा ही नहीं सकते फिर अब सवाब की नीयत से। भाई अगर किसी का बाप बीमार है, वो दूसरे शहर रहता है और ये अपनी ऊँटनी पे या अपनी गाड़ी पे गाड़ी को तैयार करके भाई बाप की ज़ियारत के लिए जा रहा है, तो क्या ये कि हराम हो जाएगा क्या? अकल में ना आने वाली बात है ना। लेकिन देखें जब तकब्बुर आता है, शैतान गुमराही करता है, तो बंदा क्या क्या कह देता है। उसने कहा कि बस ऐसे ही है। किसी ने फिर उस पर सवाल किया कि अगर कोई सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की ज़ियारत की नीयत कर रहे, बस अपने घर से चले कि मैं कब्र अनवर की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ, उसने बोला माज़ अल्लाह कि ये हराम है। क्या आप मस्जिद की नीयत करो, कब्र अनवर की नीयत मत करना, ये कहाँ से निकला भाई? इसका तो उन तीनों जगहों से ताल्लुक ही नहीं था, लेकिन इसे जोड़ दिया उससे। फिर उलमा ने इसकी गिरफ्त की, ये तुम क्या कह रहे हो। फिर उन्होंने इसके साथ जो है मुनाजरे किए कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से 70,000 फरिश्ते सुबह शाम आते हैं सलामी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पर, तो क्या वो हराम के मुर्तकिब होते हैं?
अब क्या बोले? बोला हाँ, और आपके पुत्र की बहुत यहाँ पर भाई अस्तगफिरुल्लाह, कोई जाहिल भी ना बोले ऐसा। कहा अच्छा, वो तो अल्लाह के हुक्म से आते हैं, अब तो बात कहाँ तक गई। इसको इसी तरह के इसने फिर कुछ फतावा दिए, फिर अकल इसकी हो गई, अकल से, जैसे कहते हैं ना, इल्म जो है ना अकल से बढ़ गया, तो वो फिर उसका जो है ना भूत चढ़ गया था सर पर बंदे के। अल अमान वल हफीज, इसलिए कहा गया है कि जो बेफायदा इल्म से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाहुम्मा आऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, या अल्लाह मैं उस इल्म से तेरी पनाह मांगता हूँ जिसका कोई फ़ायदा ही ना हो, बेफायदा इल्म से। ये तो नुकसानदेह इल्म हो गया इसका, तो कि इसने ज़ाते वाला सिफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का भी ख्याल नहीं किया, और अपनी तहकीक के चक्कर में कि ये तो यही आता है, यही उसका मतलब बन रहा है, और तो कोई मतलब नहीं है इसका, फतवा दे दिया ऐसा गुस्ताखी पर मबनी। फिर इसको चारों फिक के जो हैं हमारे उलमा, यानी हनाबिला ने, हनफिया ने, अहनाफ ने, शवाफ़े ने, मालिकिया ने, सब ने इस पर जो है गिरफ्त की। जो इसके फैन थे और जाहिर सी बात है वो क्या कहेंगे, लानत मलामत ही करेंगे इसको। तो इसका मामला महफूज नहीं रहा, इसका मामला जैसे औलिया अल्लाह का महफूज रहता है, इसका महफूज नहीं रहा, बल्कि ये रांधे दरगाह शुमार होता है। कि ये इसको बड़ी, इस पर ना कड़ी तनकीद हुई, इस पर कुफर के फतवे भी लगे इब्न तीमिया पर, और फिर इसको कैद किया गया, उसी कैद खाने में इसकी मौत वाकई हुई, कैद में मरा ये। फिर इसकी किताबों को दफन कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, मामला इसके रुक गए। लेकिन फिर बाद में वहाँ भी आ गए, इन्होंने इस मामले को ज़िंदा किया दोबारा। बल्कि हमारे दौर के एक बड़े जैद आलिम हैं माशाल्लाह, डॉक्टर अब्दुल कादिर अल हुसैन, तुर्की में इस वक्त हैं, वैसे तो शायद वो शाम के हैं, दमिश्क के हैं, बड़े प्यारे अच्छे मौक़िक हैं। वो जो ना बयान कर रहे थे, कह रहे कि मुर्दे ज़िंदा करने का ये तो मना करते हैं कि मुर्दे ज़िंदा नहीं कर सकते औलिया, अरे तुमने खुद मुर्दा ज़िंदा कर दिया एक लेकिन अपने जैसा काम किया, मुर्दा फितने को ज़िंदा कर दिया, जो फितना उलमा ने दफन कर दिया था तुमने उस गड़े में मुर्दे को ज़िंदा कर दिया, और वही बातें तुमने करना शुरू कर दी, आधा शिर आधा शिर आधा शिर। अभी आप जाए खाना कहवा को हाथ लगा, बोला आधा शिर। अब भाई तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम, सरकार की बारगाह में आप जाएँ और आधा शिर, हाथ नहीं लगाना, पता नहीं शिर शिर कहाँ से समझ में इनको आ गया, क्या अकल में आ गया कि यार अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो काम मखसूस हैं वो अगर किसी और के लिए किए जाए तो वो शिर्क होगा ना। अब खुद या तो खुदा की माज़ अल्लाह ये साबित करे कि कोई कब्र है, को तो सिर्फ खुदा की कब्र पे जाना तौहीद होगा, और किसी और की कब्र पे जाना शिर्क हो जाएगा, क्योंकि भाई जो काम खुदा के लिए हो रहा है वो काम किसी और के लिए नहीं होना चाहिए। क्या जैसे आपको वो बात समझ में नहीं आएगी ना, बच्चों वाली बात है, भाई रोज़े अनवर की तरफ रुख करके जाना, सवाब की नीयत से चल के जाना, आप बोलेंगे भाई यही तो सबसे बड़ा सवाब है यार, तो हमारी समझ में नहीं आएगा अहले दिल की, अहले मोहब्बत की, वो इस पर फतवा देकर जान गंवा बैठा अपनी इब्ने तीमिया। अब उसके फर्जंद हैं, इनको भी समझ में नहीं आता, कहते यार तो शिरकी तो है और क्या होगा इनके यहाँ ये शिरक है। अल अमान वल हाफिज, अब ये तो हमारी महफिल सूफियाना है, अब यहाँ पर दलायल और इसकी कोई बात तो करते नहीं है, लेकिन एक अवामी क्योंकि बात फैली हुई है, तो ये भी होता है कि उलमा भी दो तरह के होते हैं, हिदायत भी दो तरह की है, एक हिदायत रुश्द के साथ है,
एक हिदायत, कहते हैं रुश्दो हिदायत, और एक हिदायत इल्हाम शैतानी के साथ है, वो शैतानी हिदायत है। तो ये जो मामला होता है ना, बल्कि सूफिया इस पर कलाम भी करते हैं, सूफियाना कलाम इस पर ये है कि जब बंदे पर राह सलूक तय करते 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 उस पर मुख्तलिफ सिफात की तजल्ली होती है, काबिदों की होगी, बासितों की होगी, करीम की तजल्ली होगी, रहीम की होगी, खाफिदों की होगी, मुदिल्लों की होगी, मुदिल्लों की होगी, हादी की होगी। बोले जब हिदायत की तजल्ली आती है तो दो तरह से हो सकती है, हिदायत रहमानी भी होती है और शैतान के इल्हाम भी यहाँ शुरू होते हैं, इस मकाम पर शैतानी इल्हाम भी शुरू हो जाते हैं उसको कसरत के साथ। तो बस जिसको अल्लाह ताला की ख़ास तौफीक होती है वही इससे, इस मरहले से खैर खूबी के साथ गुज़रता है, वरना बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं। अलामान वाल हाफिज़, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, हमें रुश्द व हिदायत अता फरमाए, हिदायत दे तो फिर इरशाद और रुश्द वाली हिदायत अता फरमाए। अल्लाह ही है जो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इससे गुजारता है बंदे को, और जब इस मरहले से वो गुज़र जाता है तो फिर समझ लो कि वो महफूज कर दिया जाता है। जब इससे खैर खैरी से गुज़र जाता है वो अल्लाह के करम से और सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत से, तो फिर वो महफूज हो जाता है। और जो यहाँ फंस गया वो फंस गया, मियाँ अकल का इंसानी जिस्म में मकाम क्या होता है, और सूफिया कराम जो है वो दिल की इस्लाह पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं, तो अकल का सलूक में क्या किरदार है? हाँ, इस पर शायद पहले भी बात हुई है, मैंने पहले अर्ज़ किया था, अकल दो तरह से है, अकल माश और अकल माद। अकल माश तो ये है कि जिससे इंसान को दुनियावी नफ़ा नुकसान समझ में आए, काफिर के पास भी है, मोमिन के पास भी है, वो इंसान होने के नाते उसको दी गई है ताकि वो जहर और शहद में फ़र्क कर ले, सर्दी लगे तो गर्मी का इंतज़ाम कर ले, गर्मी लगे तो ठंडक का इंतज़ाम करे, ठीक है, बीमारी हो तो दवाई ले, भूख लगे तो खाना खाए, यानी अपने जो है ना मामलात को निपटाए, फिक्र माश करे। ये अकल फिक्र माश के लिए है, ये सब के लिए है, इसका मकाम दिमाग है, ये सब के लिए। अच्छा, दूसरा जो है वो है अकल माद। माद कहते हैं कि आखिरत की फिक्र, फिक्र आखिरत, फिक्र आखिरत के लिए जो अकल है उसको कहते हैं अकल माद, और उसका मकाम दिल है, कि दिल फैसला करता है, दिल फैसला करता है कि क्या करना है, जन्नत चाहिए कि दोज़ख में खुश है, हराम और हलाल, हराम का भी नोट वही होता है, छपाई वही होती है जो हलाल की होती है, सिर्फ उसको लेने का तरीका उसको हराम या हलाल कर देता है, बाज़ औक़ात हलाल करते में नोट छोटा हो जाता है, हराम करने से ज़रा ढेर बढ़ जाता है नोटों का। ये आजमाइश होती है बंदे की के, आजमाइश तभी तो है, अगर हराम में कोई कशिश ना हो तो फिर तो सब लोग हराम को छोड़ देंगे, यार फ़ायदा भी कुछ नहीं है, दोज़ख भी मिल रही है, तो क्या क्या फिर हम क्यों जाएं भाई हराम की तरफ। तो हराम में वक्ती फ़ायदा रखा गया है, गुनाह में वक्ती लज़्ज़त रखी गई है, और नेकी में वक्ती मुश्किल रखी गई है। अब ये अकल
यानी कल्ब सलीम इसको फैसला करता है। इसका कल्ब सलीम यानी अक्ल सलीम जो होती है वो दिल में होती है, वो फैसला करती है कि क्या किया जाए, क्या इसका अंजाम कैसा है। अंजाम को जो बंदा सोचेगा और उस पर अपना फोकस रखेगा कि मुझे अच्छे अंजाम वाला काम करना है, अच्छे आगाज़ वाला नहीं। अच्छा आगाज़ तो बाज़ औक़ात बहुत बुरे बुरे कामों का आगाज़ बड़ा अच्छा होता है। इस पर चाहे तो ये एक दुआ याद कर लें, बड़ी प्यारी सी याद आ गई, हदीस पाक में है, अल्लाहुम अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा, अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा। ए अल्लाह हमारे सारे कामों का अंजाम अच्छा कर दे, हमारे सारे कामों का अंजाम अच्छा कर दे, यानी हमारा अंजाम अच्छा कर दे, हमारी आक़िबत अच्छी कर दे, और हमें दुनिया की ज़िल्लत और आखिरत के अज़ाब से बचा। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा, या खिज़्यिद दुनिया व आख़िरा, मुख्तलिफ अल्फाज में ये रिवायतों में आते हैं से अब का मक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब वही है कि या अल्लाह ताला हमें तो दुनिया और दुनिया में हमारे जितने भी काम जारी हैं जो चल रहे हैं वो अच्छे कर दे, हमारे लिए वो बेहतर कर दे, अंजाम के अतबार से, आगाज़ के अतबार से नहीं है मसला, अंजाम के अतबार से। कितने काम हैं, कितनी चीज़ें हैं जिनका आगाज़ बहुत अच्छा होता है ना, लेकिन उनका अंजाम क्या होता है, बहुत बुरा होता है। आम तौर पे शैतान जो है वो नेकोकार को जो गुमराह करता है तो उसको नेकी के किसी चारा डालता है पहले, तो ये नेकी कर ले और आगाज़ उसको नेकी पे लाता है, उसके बाद अंजाम उसका गुनाह में हो जाता है। बहुत ज़्यादा नेक आदमी फौरन गुनाह नहीं करता, बल्कि वो धोखे में आता है, नेकी के धोखे में आता है कि ये नेकी करूँगा पहले, ये भी नहीं करूँगा मैं, ये भी नहीं करूँगा मैं, ये भी नहीं करूँगा। चोरी करता है इसीलिए, यार गरीबों की मदद करूँगा, डाके मारता इसीलिए। मशहूर है ना एक किरदार भी है, एक जन मशहूर है रॉबिन हुड के नाम से, हाँ रॉबिन हुड है, डाकू है जो अमीरों को लूटता है और गरीबों में तकसीम करता है। तो उसको लूटने का ही हुआ, भाई फैक्ट्री लगा ले तू, और कुछ काम कर दे, और कुछ रोज़गार मुहैया कर दे, लूटेगा। हाँ तो ये शैतानी चक्कर होते हैं। मैं किसी क्या किसी शख्स का रूहानी तौर पर बुजुर्ग शख्सियात से कलाम मुमकिन है? अगर मुमकिन है तो क्या तरीके का? हाँ मुमकिन तो है, बिल्कुल तरीक़ाकार है, इसका मुराकबे के ज़रिए होता है, मुराकबे के ज़रिए। लेकिन ये उलूम तो यानी पोशीदा उलूम में आता है, ये वैसे आप किसी से नहीं कलाम कर सकते, किसी भी पोशीदा आदमी से आप कैसे कलाम कर सकते हैं, पोशीदा हस्ती से। अच्छा आप अपने दिल से कैसे कलाम करते हैं, करते हैं ना, करते हैं दिल से कलाम करते हैं ना। आपका शैतान से कलाम कैसा होता है, होता है ना, शैतान आपको मशवरे देता है, आप उस कुछ सवालात पैदा करता है, आप उसको जवाब देते हैं। लोग बोलते हैं मैं वसवसे आते हैं, वसवसों का वो तोड़ कर रहे होते हैं अंदर, खुदा के बारे में, रसूल के बारे में, जन्नत दोजख के बारे में, मौत के बाद उठने के बारे में, ईमान के बारे में, कुफर के बारे में वसवसे लोगों को आ रहे होते हैं। तो क्या ये वो खुद बोल रहे होते हैं, उनका दिल बोल रहा होता है? नहीं, ये शैतान बोल रहा होता है उनके दिल में, शैतान बोल रहा होता है। अब ये उसका तोड़ कर रहे होते हैं अंदर ही अंदर, क्योंकि इनका ईमान होता है
इनका नफ्स काफिर नहीं होता, मोमिन होता है, तो वो शैतान के उसका वसवसों का जवाब दे रहा होता है। और बाएं तरफ इंसान के शैतान का मकाम है कि इसके बाएं कंधे के और कान के दरमियान में शैतान यहाँ पर सवार हो जाता है। और दाएं तरफ मुलहिम एक फरिश्ता है जो इंसान के साथ अल्लाह ताला ने उसकी ड्यूटी लगाई है, मुवक्कल होता है, वो हिदायत की बातें करता है और वो नेक ख्यालात दिल में डालता है। उसकी बात भी हम सुन रहे होते हैं, कोई सुन रहा होता कोई नहीं सुन रहा होता, यानी जो हमें नेक ख्यालात आ रहे होते हैं भाई ऐसा नहीं करो, ऐसा करना अच्छा नहीं है, ऐसा करना बुरा है, जो हमें रास्ता दिखा रहा होता है, नेकी की बातें बता रहा होता है, तो वो इल्हाम होता है। लेकिन ये दोनों बातें हम हर मोमिन काफिर इससे गुजर रहा होता है बगैर मारफत के, मारफत नहीं होती उसको, वो सोचता है कि शायद मैं खुद ही ये सारी बातें सोच रहा हूँ। कहते हैं यार एक दिल मेरा चाह रहा ये करूँ, एक दिल चाह रहा ये करूँ, तो भाई दो दिल कहाँ से आ गए, एक ही दिल है। असल में ये खींचातानी चल रही होती है, हिदायत और वसवसा, यहाँ से हिदायत आ रही होती है, यहाँ से वसवसा। फैसला आपको करना होता है, आपका दिल फैसला करेगा कि क्या करना है। जिस तरफ को झुक जाता है दिल उधर फैसला हो जाता है। ये जो कलाम है इसको कहते हैं कलाम नफ्सी। ऐसा ही कलाम आप किसी से भी कर सकते हैं, यानी किसी बुज़ुर्ग के मज़ार पे जाएं, उनसे कलाम हो सकता है आपका, अगर आपको उसका तरीक़ाकार आता है तो। इसी तरह जो जिन हस्तियों का आपसे ताल्लुक़ है, आकाद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे कलाम कर सकते हैं आप, इसका तरीक़ाकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया भी है। हज़रत सैयदना उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु अन्हु की बाकायदा हदीस शरीफ है। हाँ ये आ गया ना, वाह पूरा वाक्य दिया इन्होंने तो। देखें वन उस्मान इब्न हुनैफ अन रजुलन कान यख्तलिफ इला उस्मान इब्न अफ्फान फी हाजतिल्लाह, के यानी हज़रत उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक शख्स जो है वो हज़रत उस्मान बिन अफ्फान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया करता था और उनको उनसे कुछ काम था। फ़कान उस्मान ला यल्तफितु इलैहि वला यंज़ुरु फी हाजति, तो उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बताते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो मसरूफ़ रहते थे और उसकी तरफ ज़रा तवज्जो नहीं करते थे। फ़कान उस्मान ला यल्तफितु इलैहि वला यंज़ुरु फी हाजति फ़लक़िय उस्मान बिन हुनैफ फ़शका ज़ालिका इलैहि फ़क़ाल लहु उस्मान बिन हुनैफ, तो ये जो है ना वो शख्स इनसे मिला हज़रत उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु अन्हु से और कहने लगे कि देखो वो तो सुनते नहीं है मेरी बात, तो मुझे इनकी कुछ काम है मुझे, तो वो तो सुन नहीं रहे हैं। तो उन्होंने फरमाया इतिल मीदा फतवद्दा सुम्मा तिल मस्जिदा फसल्ली फी रकअतैनि सुम्मा कुल, तुम कहने लगे कि मैंने उनसे कहा उस्मान बिन हुनैफ जो है ना फरमाते हैं मैंने उस शख्स से कहा कि जाओ वज़ू का सामान लाओ, वज़ू करो, मस्जिद में आओ और जो है वो दो रकतें पढ़ो और फिर यूँ कहो दो रकतें पढ़ने के बाद सुम्मा कुल, फिर बोलो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बी नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमा, यूँ कहो ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूँ हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, जो कि रहमत वाले नबी। या मोहम्मद, अब क्या कहो या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बी फ़यक़दी ली हाजती, के या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तुम या मोहम्मद के यानी अल्फाज हैं तो, लेकिन अदब ये है कि या रसूलल्लाह कहा जाए, या रसूलल्लाह
इन्नी अतवज्जो बिका, मैं आपके वसीले से तवज्जो करता हूँ, इला रब्बी, अपने रब की तरफ, फ़यक़दी अली हाजती, ताकि मेरा रब मेरी हाजत पूरी कर दे, वतज़क्कर हाजत का, और फिर अपनी हाजत बयान कर, यहाँ रुक और अपनी हाजत बयान कर, वरुह इला हिना अरुह माक, तो फिर जाओ जहाँ तुमने जाना है, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। फ़न तलक रजुल फसना मा क़ाल लहु थुम्म अता बाबा उस्मान फ़जाल बवाब हत्ता अख़ज़ बियदिही फ़अदख़लहु अला उस्मान इब्न अफ़्फ़ान फ़अजलसहु मअहु अला तनसिफ़ती वक़ाल हाजतुका फ़ज़कर हाजतहु फ़क़ज़ाहा लहु थुम्म क़ाल लहु मा ज़करता हाजतका हत्ता कानत हाज़िहि सआ, कहने लगे मैं उसको लेकर गया, कह लगे मैं जो है ना गया हूँ उस्मान बिन अफ़ान यानी खलीफा सिवम के पास, तो मैंने देखा कि एक बंदा बाहर से आया यानी अंदर से आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा लेकर गया, बोला अंदर चलो, उस्मान बिन अफ़ान यानी खलीफा सिवम तुम याद कर रहे हैं, और कहने जब मैं उनके पास बैठा तो उन्होंने दस्तरखान लगाया और कहने लगे कि उस्मान क्या बात है, तुमको मेरे से कुछ काम है क्या, मैं देख रहा हूँ तुम आते हो लेकिन कुछ बात तो करते नहीं हो मुझसे, तुम इतने दिन हो गए तो मैं देख रहा हूँ तुम्हें मुझसे काम है तो तुम काम क्यों नहीं कहते मुझे। वक़ाल मा कानत लका मिन हाजतिन फातिना, और कहने लगे अगर कोई सवाल है तो भाई करो, क्या काम है तुमको मुझसे। थुम्मा इन रजुला खरज मिन इंदी फलकी उस्मान इब्न हुनैफ, फिर वो शख्स जो है वो उसकी हाजत तो पूरी हो गई, उसने बोला हज़रत मुझे ये मेरे काम है, तो उन्होंने कर दिया। अब वो शख्स बाहर आया और उस्मान बिन हुनैफ से आके मिला, जिन्होंने दो रकतों की तरकीब बताई थी कि ऐसे ऐसे पढ़ो फिर जाओ फिर देखो क्या तुम्हारा काम होता है। अच्छा, फ़क़ाल लहू जज़ाकल्लाहु खैरम मा यंज़ुरु फ़ी हाजती वला यल्तफ़ितु इलैया हत्ता कल्लमतहु फ़िया, कहने लगे कि अल्लाह तुमको जज़ाए खैर दे, वो तो मेरी तरफ़ देखते भी नहीं थे ना मेरी हाजत पूछते थे, यहाँ तक कि तुमने मेरी सिफारिश कर दी, यानी तुमने जाके बोला ना उनको कि एक बंदा भाई आपके पास आता है, अब उससे बात ही नहीं कर रहे, बात तो करें। हाँ, फ़क़ाल उस्मान इब्न हुनैफ़िन इब्न हुनैफ़िन के उस्मान बिन हुनैफ ने कहा वल्लाहि मा कल्लमतुहु, कहने लगे अल्लाह की कसम मैंने तो कोई बात नहीं की उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से, वलाकिन शहीद तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाताहु रजुलुन दरीरुन फशका इलैहि ज़िहाब बसरी फ़क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसब्बर फ़क़ाल या रसूल अल्लाह इन्नहु लैस ली क़ाइद वक़द शुक्का अलैया, क्या बात है जी, सरकार के पास एक नाबीना सहाबी आए और अर्ज़ करने लगे सरकार मेरी आंखें नहीं हैं, आप चलो, उन्होंने फरमाया सब्र कर लो, उन्होंने कहा कि सरकार मुझे कोई लाने ले जाने वाला नहीं है तो, और मेरे पे बड़ी मुश्किल होती है, उनके भी वो देखें कि सब्र तो मैं कर लूँ लेकिन सरकार आप कर देना, आप तो कर ही सकते हैं, ये हमारे जैसे के हम जैसों के लिए एक वो है, एक सहारा है कि सरकार मैं भी उन जैसा हूँ, नेमत चाहिए मुझे आप, तो कहने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इतल मीदा जहाँ उधर वज़ू करो फतवद्दा सुम्मा सल्ला रकअतैन, कहने लगे कि जाओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाओ वज़ू करो जाके दो रकअतें पढ़ो फिर इन कलिमात से दुआ करो जो ऊपर जैसे जो है गुजरे के अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्य रहमा या रसूलल्लाह इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बी फी क़ज़ाए हाजति हाज़िहि लितुक़्ज़ा दी अल्लाहुम्मा फशफ़ी फ़िया, इस तरह करके रिवायत में भी है। फ़क़ाल उस्मान इब्न हुनैफ, उस्मान बिन हुनैफ जो रावी हदीस के, वो कहते हैं फ़वल्लाहि मा तफर्रक़ना व ताल बिनल हदीस हत्ता दखल अलैहि रजुल का अन्नहु लम यकुन बिही दररुन कत, कहने लगे कि हम वहाँ बैठे हुए थे, हम आपस में बातें ही कर रहे थे और कोई इतनी लंबी बात हमने नहीं की,
बस थोड़ी देर हमने बातें की, वो बंदा आ गया और बिल्कुल उसकी आंखें सही हो चुकी थी, उसकी आंखें। अच्छा कुल तो रवा तिरमिज़ी बबन माजा तरफ में आखिर खाली ना क़स्सा थी। तो इन्होंने फिर यानी तबरानी में सारी फिर इसकी हदीस बाकी शरा और इस पे जो ना बयान किया हुआ इन्होंने, तबरानी में भी है, तिरमिज़ी में भी है, बाकी दीगर जगहों पर भी है। तो ये है, आप देखो वो शख्स जिसको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से राबता करने का तरीका इरशाद फरमाया कि तुम जाओ दो रकत पढ़ो। अब वो दो रकत को सरकार के सामने ऐसे थोड़ी पढ़ेगा, अब घर के कोने में जाके पढ़ ले, मस्जिद में जाके पढ़ ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका इरशाद फरमाया और तशरीफ़ ले गए, ठीक है, तशरीफ़ ले गए। उस शख्स ने नमाज पढ़ी, अब ये कलिमात वो कह रहा है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, बि नबी का मोहम्मद व अतवज्जह इलैका, और मैं तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूँ, बि नबी का, तेरे नबी के ज़रिए। ये सरकार बता रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, इरशाद फरमा रहे हैं, सिखा रहे हैं एक उम्मती को अल्लाह से मांगने का तरीका कि जाके मेरा जिक्र करना, मेरा जिक्र करो, ठीक है, और जब मेरा जिक्र करो फिर कहना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, इन्नी तवज्जह तो बिका इला रब्बी फी हाजती हाजिही ले तो कुदाली, के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके वसीले से अल्लाह की तरफ तवज्जो करता हूँ, अल्लाह से मांगता हूँ आपके वसीले से कि मेरी हाजत पूरी की जाए। फिर हैं आगे भी है कि मेरी आप शफात करें, ठीक है। फिर कह दें अल्लाहुम्मा फशफ़े हुफिया, ए अल्लाह मेरे नबी की शफात मेरे हक़ में कबूल फरमा दे। अब ये शख्स जो नाबीना है, ये तो सरकार को देख भी नहीं रहा ना, नाबीना है और अपने घर में या मस्जिद के कोने में जाके दो रकतें पढ़ रहा है और अल्लाह को भी पुकार रहा है और या रसूल अल्लाह भी कह रहा है, क्या सरकार उसके सामने तशरीफ़ फरमाए? नहीं ना। ये वो तरीका, ये गायबाना रब्ता करने का तरीका, आप भी करें ऐसे। अच्छा ये तरीका फिर इन्होंने हज़रत उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, इनको पता था कि ऐसे करने से काम हो जाता है बंदे का। इन्होंने किसको बताया? उनको तो सरकार ने बताया था जो नबीना सहाबी थे, लेकिन ये क्योंकि सारा मामला देख रहे थे, कलिमात इन्होंने याद कर लिए और ये कलिमात इन्होंने आगे उस बंदे को बता दिए कि तुम उस्मान गनी के पास जा रहे हो, वो तुमसे रब्ता नहीं कर रहे, तुमसे पूछ ही नहीं रहे, तो तुम घर जाओ दो रगतें पढ़ो, देखो कैसे तुम्हारा काम होता है। उसने किया। अच्छा वो ये समझा कि इन्होंने जाकर मेरी सिफारिश कर दी उस्मान गनी से जाकर, तो इन्होंने बोला नहीं वल्लाह मैं मा कल्लम तुफी का, मैंने तो तुम्हारी बात ही नहीं की थी इस बारे में, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। बल्कि ये ज़ोर दे के साबित करना चाह रहे हैं ये भी कि ये जो दुआ तुमको मैंने बताई थी, वो दुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी, ये उसका करिश्मा है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात से अल्लाह ताला बंदे पर करम फरमा देता है। और या रसूलल्लाह कहने का इसमें सबूत भी है और इसके अंदर सुन्नियों का दिल ही, सुन्नियों के लिए तो यूँ समझ लें कि ये बद मज़हबों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा पहाड़ दलील का के अल्हम्दुलिल्लाह इसी से सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राबता करने का तरीका इरशाद फरमाया कि ऐसे राबता करो, इसी से बुजुर्गान दीन ने मुराकबा और राबता करने का तरीका कशीद कर लिया कि अगर हमें राबता करना होगा कैसे कर लेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इजाबत का दरवाज़ा खुल गया और एक तरीका चल पड़ा। ऐसे ही ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है ना, वो तो हमारे वैसे भी अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ये नबी जो है वो मोमिनों से उनकी जान से ज़्यादा करीब है, औला
वली अली से अवला ज्यादा करीब है, मिन अनफुसिहिम उनकी जानों से ज्यादा करीब है उनके, मोमिनों की लेकिन बात हो रही है। हाँ तो मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब है। तो वो तो जैसे भी कहे, उठते बैठते, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा, पर तुझको क्या, तुझे नहीं कहना तू ना गए, तुम अपने रास्ते खुश, हम अपने रास्ते खुश, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या। ये तो उनको तो अलग ही कर दिया ना, ठीक है। इसी तरह का मामला बुजुर्गान दीन से भी हो सकता है, उनके मज़ार पे जाकर हो सकता है, क्योंकि मज़ार पे तो रूह हाजिर होती है ना। चलो, सलात गौसिया का तरीका जो हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इरशाद फरमाया है, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से ये तरीका मनकूल है और बहजतुल असरार में भी शायद है, मुख्तलिफ तरीक़ों से। फ़तावा रज़विया में तो है, आला हज़रत ने नकल किया है। इसको कहा जाता है सलातुल असरार, राजों वाली नमाज, के मगरिब की नमाज के बाद या फिर इशा की नमाज के बाद जब सोने लगे तो दो रकत ताज़ा वज़ू करें, और दो रकत पढ़ने के बाद, दो रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ ले 11 बार चाहे तो ऐसे पढ़ ले, और फिर यूं कहे या रसूलल्लाही या नबी अल्लाही अगिसनी वम दुदनी फ़ी क़दाय हाजती या क़ादी अल हाजात, या अल्फाज बोले या रसूलल्लाही या नबी अल्लाही अगिसनी वम दुदनी फ़ी क़दाय हाजती या क़ादी अल हाजात, ए अल्लाह के हुक्म से हाजतों को पूरा करने वाले, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के नबी, मेरी मदद फरमाएं और मेरी हाजत पूरी करें, हाजत पूरी करने में मेरी मदद फरमाएं। फिर 11 कदम जो है वो बगदाद शरीफ की तरफ चले, हर कदम पर ये कहे या गौसस्सकलैन व या करीमत्तरफ़ैन अगिसनी वमदुदनी फ़ी क़ज़ाए हाजती या क़ादी अल हाजात, ए जिन्नो इंस के फरियाद रस, या गौस सकलैन, ए जिन्नो इंस के, क्योंकि कुतुब जो होता है, गौस आज़म जो होता है, गौस जो होता है, इससे जिन्नात भी रब्ता करते हैं और इंसान भी रब्ता करते हैं अब अपनी अपनी मदद के लिए, जैसे दुनियावी मामलात में हम बादशाहों से या वज़ीरों से मुशीरों से रब्ते करते हैं, दुनिया के मामलात में भी करते हैं ना, तो एक वसीला समझ के हम करते हैं, खुदा समझ के तो हम नहीं बात करते किसी से, खुदा का बंदा ही समझ के बात करते हैं। इसी तरह रूहानी मामलात में हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, क्योंकि कुतुब अकबर हैं इस वक्त, तो उनसे जिन्नो इंस फरियाद करते, तो आपका एक लकब है गौसुस्सकलैन कि जिन्नो इंस के फरियाद रस, वया करीमत्तरफ़ैन और ए दोनों तरफों से करीम, यानी माँ की तरफ से भी बाप की तरफ से भी, एक माना ये है, एक ये कि ज़ाहरी एतबार से भी और बातनी एतबार से भी, जितनी भी जिहाद से इसका करीमत्तरफ़ैन का मामला होता है कि आप सखी हैं, सखियों की आप औलाद हैं, अगिसनी आप मेरी मदद करें, वमदुदनी और मेरी नुसरत फरमाइए, फ़ी क़ज़ाए हाजती या क़ादी अल हाजान, हर कदम पर ये करें, 11 कदम चलें, हर कदम पे ये पढ़े, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला 2 रकअतें ही उसके लिए काफ़ी हैं। के आधा फरमाते हैं कि हुस्न नीयत हो, ख़ता फिर कभी करता ही नहीं, अगर अच्छी नीयत से बंदा 2 रकअतें पढ़े, 2 गाना पढ़ ले, 2 गाना रकअत पढ़ ले, आजमाया है या गाना है 2 गाना 13, कि ये 2 रकअतें बेमिसाल हैं कि इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी अपने, हम लोग तो ऐसे ही है, नाकारा से है, तो हमने भी अपने मामलात के लिए जब भी इसको पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह वो मामला हमारा बिल्कुल ठीक 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 हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो ये सलात गौसिया का तरीका भी आ गया इसमें, और सलात हाजत का, सलात हाजत वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तेगासा किया जाता है, और अब अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राबता करने का तरीका बताया है,
और आला हज़रत ने और हज़रत ग़ौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बुज़ुर्गों से रबता करने का तरीका बताया। एक तो उनकी कब्र पे जाकर, उनके मज़ार पे जाके आप रबता कर सकते हैं और वहाँ बैठें और उनको सलाम अर्ज़ करें और कहें कि हज़रत आप अल्लाह के नेक बंदे, आप मेरे लिए दुआ करें। ज़बान से ना, दिल से भी कह सकते हैं, क्योंकि रूह का रूह से मामला होता है, और जो जिस रूह से हम अंदर शैतान से बातें कर रहे होते हैं और इस तरह फरिश्ते से बातें कर रहे होते हैं, तो हमने रूह से बात करनी होती है तो वो कल्ब से बात होती है। तो ये इसको कहते हैं कलाम नफ्सी। तो कलाम नफ्सी के ज़रिए हम रूह से बात कर सकते हैं, किसी भी रूह से बात कर सकते हैं। तो ऐसे अगर हम कलाम करेंगे तो आज नहीं कल जवाब तो आ जाएगा। हो सकता है जवाब यूं ना आए लेकिन हमारा काम हो जाए, काम आने की शक्ल में ठोस जवाब मिल जाए कि भई ये आपका काम हो गया। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि लोग जो हैं बुज़ुर्गों के मज़ारों पे जाते हैं, अच्छी नीयत से जाते हैं, और फिर हमको बोल रहे होते यार दुआ करना मेरे लिए। और भाई हमसे क्या दुआ करा रहे हो, आप इतने बड़े बुज़ुर्ग के मज़ार पर गए, आपने जाकर इसाले सवाब किया, तो आपने बात नहीं की उनसे, उनको बात करने का तरीका नहीं पता। वो जाते हैं बस लंगर खा के या लंगर बांट के आ जाते हैं, हो इससे भी जाता है काम। ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर लंगर खाने वालों में कोई गरीब भी होता है, किसी की दुआ लग जाती है, कुछ हो जाता है, ऐसे निकी के मौाक़े तो बहुत सारे होते हैं। लेकिन बात ये थी कि जो प्रॉपर तरीक़ाकार है वो यही है कि आप दो रकत पढ़ें। जैसे सैयदना मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि इनके बारे मशहूर है कि इनकी कब्र मुबारक जो है, इनका मज़ार अक़दस जो है, वो दुआओं की कबूलियत के लिए समझ ले तिरयाग है, तीर बहादुर है, जो वहाँ जाके दुआ मांगता पूरी हो जाती है, ख़ास इनका मशहूर है। वैसे तो आप दाता अली हजवेरी चले जाएँ, उधर गौसपाक की बारगाह में हाज़िरी देते हैं, अब्दुल्ला शाह गाज़ी चले जाएँ, जो आपके करीब तरीन कोई भी जो है ना मज़ार है वहाँ आप चले जाएँ, क्योंकि सब औलिया हैं और औलिया का आपस में ताल्लुक़ होता है। अगर वो ख़ुद नहीं भी आपके लिए बात कर सकते तो वो किसी और से बात कर लेंगे, उनके भी तो आगे ताल्लुकात होते हैं ना, कि या अल्लाह ये तो मेरे पास आ गया, मेरे इख्तियार में थोड़ी है, तो वो फिर आगे बात कर लेंगे, वो ज़रूर उस पाक से बात कर लेंगे कि हज़रत ये एक आपका मुरीद है, मेरे पास आया था, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप ही देखें इसका क्या कुछ हो सकता है। तो इसीलिए किसी भी मज़ार पर आप जाके बात कर लें। अगर मैं रूहानियत को समझें तो बिल्कुल जिस्मानियत की तरह आई, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे कोई इसके लिए कोई नेक होना भी ज़रूरी नहीं है। हम कौन से को नेक है भाई, कोई भी जाके बात कर ले, और भाई रूह तो हमारे पास है ना। ये उन्होंने कब कहा कि मुझसे नेक रूह बात करे, बुरी रूह बात ना करे, किसी बुजुर्ग ने ये पाबंदी लगाई नहीं ना। आप जाके कहते हैं जो है ना कब्रिस्तान में जाके बोलते हैं अस्सलाम वालेका, क्या बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहले कुबूर, ए कब्र वालों तुम पे सलामती हो, तो किसको कहते हैं? जिस्म तो गल गए सड़ गए। अगर कोई हज़ार साल पहले का कब्रिस्तान है तो वहाँ पे भी जाकर भी यही कहेंगे ना। अब एक मर ही गया एक बंदा, तभी तो दफनाया उसको भाई, तो ज़िंदा तो वो नहीं है ना, तो जवाब कैसे देगा वो। लेकिन उसकी रूह ज़िंदा है, रूह नहीं मरती। अहले सुन्नत का अकीदा यही है कि रूह मुंतकिल होती है, मरती नहीं है, रूह आलम अरवाह में चली जाती है, लेकिन उसका अपनी कब्र से ताल्लुक़ रहता है, उसको वो पहचानती रहती है, मेरा जिस्म यहाँ पड़ा हुआ है। जब क़यामत के दिन सूर फूंका जाएगा ये रूह उसी में आएगी, अपने ही जिस्म को तलाश करती हुई आ जाएगी, उसको वो जो है ना भटकेगी नहीं, क्योंकि उसका अपने जिस्म से बराबर ताल्लुक रहता है उसका, वो कहीं पर भी हो। काफिर की रूह भी नहीं भटकेगी, उसका भी ताल्लुक है, काफिर भी कलाम सुन सकता है। काफिर मरने के बाद उसके आप मरघट पे जाएं जहाँ उसकी दफन किया था, ये जो कुछ भी उसके बाकियात राख थी, दफनाई थी, बहाई थी आपने, तो वहाँ जाके आप कलाम करेंगे, जवाब नहीं दे सकता ना आपके किसी काम आ सकता है काफिर, लेकिन सुन ज़रूर लेगा आपका कलाम। मोमिन की रूह तो दुआ भी कर देगी ना आपके लिए, तो आपके काम हो जाएंगे, तो वो मरने के बाद भी आपके जो काम आ सकता था वो काम आ जाएगा आपके, कि वो दुआ के ज़रिए आपकी जो है ना मदद कर देगा मोमिन, चाहे कि जितना ही गुनाहगार है।
इंसान अपने माँ बाप की कब्र पर चला जाए, जाके बल्कि माँ बाप की कब्र पर ज़्यादा दुआ कबूल होती है। उनसे जाके बोले अब्बू ये देखें ये मेरा काम है, आप दुनिया में भी जब आप थे तो आप किस साइन से हमारे छुट्टी मिल जाती थी स्कूल से, भाई अब्बू से साइन करा के लेके आओ। तो अब मेरा ये काम अटका हुआ है अल्लाह ताला की बारगाह में, आप ही मेरे बाप हैं, आप मेरी सिफारिश कर दें, दुआ कर दें, यानी मेरे लिए बाप है, माँ है, दादा है, और जो भी है आपके उस्ताद हैं, भाई है, कोई भी है, वहाँ जाके आप बात करें। रूहानियत तो कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ समझने की बात है, हल्का सा आप समझ लें, जाके बात करें। रूह का रूह से कलाम होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर वाले दिन जब 70 काफिरों को एक ही कुएं में डलवा दिया, मरने के बाद उनको जब कत्ल किया मुसलमानों ने, तो एक कुएं में उनकी लाशें फेंकवा दी, फेंको इनको, जब सबको डाल दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं के ऊपर तशरीफ लाए और उनसे बात की और फरमाया हाँ क्या हुआ तुम्हारा, क्या तुमने मेरे रब के वादे को सच्चा पाया कि नहीं, यानी तुमसे जहन्नम का वादा था, जहन्नम में पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, और मैंने तो अपने रब के जो है ना वादे को सच्चा पाया कि मेरे से उसने वादा किया था फतह का, तो मुझे मेरे रब ने फतह दे दी, और तुमसे जहन्नम का वादा था, मिल गई कि नहीं मिल गई। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मसला हल कर दिया। ये आए और आके अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुर्दों से कलाम कर रहे हैं, यानी क्या ये सुनते हैं? तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो बात खोल दी बिल्कुल, फरमाया तुम इनसे ज़्यादा नहीं सुनते, यानी तुम जिंदा हो, तुम इनसे ज़्यादा नहीं सुनते, ये भी सुन रहे हैं, वो तो काफिर थे। काफिर तो वो था लेकिन रूह तो सुनती है, चाहे मोमिन की हो चाहे काफिर की हो, हाँ वो मदद करने पे कादिर नहीं है किसी की, अपने अजाब में गिरफ्तार है, काफिर अपने अजाब में गिरफ्तार होता है, वो किसी की मदद नहीं कर सकता, जबकि मोमिन है वो दुआ कर सकता है, आम मोमिन है वो दुआ कर देगा या अल्लाह इसका मसला कर दे, दुआ तो कर ही सकता है ना। और अगर वो कोई औलिया अल्लाह में से है तो फिर तो वो आपके लिए थोड़ी फरमाइश भी कर सकता, अलग कर दे मेरे मेरे अमाल का वास्ता, क्योंकि उनके अमाल बड़े अच्छे होते हैं, जो बात करता है तो अपने अमाल की हैसियत से बात करता है ना, वो असल तो नेक अमाल का ही वास्ता दे रहा होता है वो, और अपनी निस्बत का वास्ता दे रहा होता है कि या अल्लाह ताला मैं तेरा बंदा हूँ, अब ये मेरे पास आया है, अब क्या यहाँ से मायूस जाएगा क्या, फिर इसका दिल टूट जाएगा बेचारे का। बड़े ये रकीकुल कल्ब होते हैं मखलूक पे, बड़े यानी शफीक होते हैं औलियाउल्लाह, तभी तो वली बनते हैं ज़ाहिर सी बात। तो इनको हम जाके अगर अपनी परेशानी बताएं तो अहले सुन्नत व जमात का इस पर पूरा इत्तेफाक है, जो अहले सुन्नत व जमात से नहीं है उससे हमारा कोई कलाम नहीं है, हम उससे बात ही नहीं करते, तो अपनी बात करते हैं। अहले सुन्नत व जमात का इस पे इत्तेफाक है कि इनसे कलाम हो सकता है, इस्तिमदाद भी हो सकती है, मुराकबे के ज़रिए भी हो सकती है, घर बैठे भी हो सकती है। हम कौन सा उनको खुदा मान रहे हैं यार, अल्लाह का बंदा ही मान रहे हैं, और दुआ क्या कह रहे हैं, तो क्या हो गया इसमें, अल्लाह ताला समझे की दफा। ये हम सुनते हैं कि बुजुर्गान दीन जो है बाज़ औक़ात कुछ कुछ दरगाहें ऐसी हैं कि कहते हैं आपका ख़ास ये मसला यहाँ पे हल होगा, ख़ास ये मसला ये हल होगा, कराची में कोई ऐसी है कि कोई काम अगर है तो वहाँ चले जाए? हाँ मैंने यूँ तो यानी बुज़ुर्गों से यही है, अब ये बातें तजर्बात पे मबनी है, देखो अब कुरान और हदीस तो किसी शख्स के बारे में नहीं आया कि फ़लाँ मज़ार पर चले जाओ फ़लाँ फ़लाँ, आप किसी भी मोमिन मोमिन की कब्र पे चले जाएं, अपने पुराने बाप दादा की कब्र पे चले जाएं, मोमिन थे ज़ाहिर सी बात है, नेक बंदों की दुआ कबूल होती है, गुनाहगारों की भी हो जाती है, क्या हमारी दुआ कबूल नहीं होती क्या, हम कितने गुनाहगार हैं, रूह सियाह है, लेकिन हमारी कितनी दुआएं कबूल हो जाती हैं। तो ये है कि जैसे आप
जो मशहूर औलियाउल्लाह हैं, अल्लाह ताला इनकी शान को बढ़ाना चाहता है। वरफ़ाना लका ज़िक्र का साया इन पर डाला है, यानी अल्लाह ताला ने, तो इनका मकाम वो लोगों में ज़ाहिर करना चाहता है। तो ये होता है कि भाई कोई शख्स चला जाएगा, जैसे हज के बारे में मशहूर है, अगर हज करना हो तो हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को इस आले सवाब करें, या उनकी बारगाह में जाकर अर्ज़ करें कि आप मेरे लिए हज की दुआ करें, अल्लाह ताला मेरे लिए असबाब कर दे, तो ऐसा हो जाता है। मुझे इसका एक यानी जो तजर्बा है, तो मुझे हज का बड़ा शौक़ था, तो लाहौर मेरा जाना हुआ मदीनतुल औलिया, तो वहाँ मैंने फिर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी दी और मैंने अर्ज़ की कि आपके बारे में जी मशहूर है कि आप लोगों को हज करा देते हैं, तो मैं भी आपकी बारगाह में हाज़िर हूँ, आप मुझ पर भी नज़र करम फरमाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसी साल मेरा हज का हो गया था, इंतज़ाम हो गए, और इतना मुझे एक दो मामले में यानी मैंने कुछ काम वाम किए तो मुझे उसमें नफ़ा हुआ इतना कि मुझ पर हज फ़र्ज़ हो गया, तो फिर तो मेरा जाना ही था। वैसे मैं जाऊँगा तो फिर ये कि लोग बोलते हैं भाई अभी ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, तो यहाँ ख़र्चा कर लो, वहाँ ख़र्चा कर लो, लेकिन अब एक हज फ़र्ज़ ही हो गया तो जाना ही था, वो तो फिर कोई भी नहीं रोका किसी ने, तो वो इस तरह का यानी तजर्बा है। इसी तरह उम्रे के लिए मदीने शरीफ जाने के लिए, जैसे हमारे जो है ना कराची वाले हैं, तो कराची में एक जो है ना यानी दरगाह है दूलशाह सब्ज़वारी रहमतुल्लाह अलैह, तो ककरी ग्राउंड के सामने मज़ार जिनका सुना है कि यहाँ पर भी माली मामलात में यहाँ पर यहाँ दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। इस शादी ब्याह के लिए दुआएं कबूल होने के लिए यहाँ पर जो बाबा जो हैं बुज़ुर्ग हैं, क्या नाम उनका, कारसाज बाबा, ये कराची में ही है, बल्कि उसका नाम ये कारसाज ही है, यानी स्टॉप का नाम भी कारसाज है, तो वहाँ पर उनका मज़ार है, वहाँ दुआ करते हैं, तो शादी ब्याह के मामलात के लिए वो काफ़ी मशहूर है। तो होता भी है, इसका भी तजर्बा है एक काम हमारे जानने वाले को, तो उनकी बेगम से कुछ नाचागी हो गई थी तो वो रूठ के बैठ गई थी घर पे अपने, तो उनको जना कहा कि यहाँ यहाँ चले जाओ, वो गए तो उनका मामला हल हो गया। एक की शादी नहीं हो रही थी तो मैंने कहा चलो यार चलते हैं वहाँ पे, तो मज़ार तो अब ये कि उसमें जो है ना बंद हो गया अहाता में नेवी के शायद वो दीवार के अंदर ले लिया गया उसको, तो हमने बाहर ही पेट्रोल पंप पे खड़े होकर हमने फातिहा पढ़ ली और दुआ की या अल्लाह ताला इनके सदके हमारा काम करते, तो उसकी भी शादी हो गई माशाल्लाह, बड़े अच्छे उसमें घराने में शादी हो गई उसकी। तो इस तरह के मामलात हैं, तो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह ताला की सिफात के मज़हर हैं ये, तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है। ये अल्लाह ताला का जो शेर है कि जन्नत न दे न दे, ये इसमें कुछ सवाल भी होते हैं कि इसमें तो हल्का जानना नहीं है जन्नत को। के जन्नत न दे न दे तेरी रुयत हो खैर से, इस गुल के आगे किसको हवस बर्ग बर की है, के जन्नत जो है यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रुयत है, जो ज़ाते बाबरकात है, जो ज़ाते वाला सिफात है, वो गुल की हैसियत रखती है। जैसे पौधे में बिला तशबी गुल फूल जो होता है उसके मुकाबले में जो पत्ता होता है ना, पत्ता, पत्ते की अहमियत नहीं होती, कांटे की, पत्ते की या तिन या जो ना उसकी छाल की अहमियत नहीं होती। बागबान जो है या लोग जो जाते हैं वो फूल के लिए जाते हैं। बोला मिसाल के तौर पे आप चले जाएं और फूल वाले से कहे कि यार फूल दे दो मुझे, गुलाब के फूल दे दो, तो वो कहे कि भाई देखो फूल तो दूंगा
लेकिन फूल के साथ में ना वो जो गुलाब के पौधे में जो पत्ते लगे होते हैं वो नहीं दूंगा। तो आप बोलेंगे भाई वो मुझे क्या करने, तो फूल से काम है, मतलब मेरा मतलब फूल से है, आप उसको नजरअंदाज करेंगे। तो ये बात मोहब्बत की है कि जहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है आशिकों की जन्नत वही है। अब अगर किसी को कहा जाए कि आपको एक तरफ जन्नत रख दी जाए कि ये जन्नत है, और एक तरफ कोई ऐसा मकाम हो, बिलफर्ज है नहीं ऐसा, समझाने के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो मकाम ऐसा है जहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तख्त लगा हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ वहाँ मौजूद हों अगर, और एक तरफ जन्नत हो, तो हमें फ़ैसला करने का इख्तियार दिया जाए जी कहाँ जाना है आपने, तो बड़ा ही बेवफा आदमी होगा जो बोलेगा मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे उधर जाना। अगर दोनों का मुकाबला कराया जाए तो फिर जन्नत कुछ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुइयत, उनकी ज़ात वाला सिफात, उनके बारगाह में जाना, हाजिरी देना, उनको देखना, वो जन्नत से कहीं बढ़कर है, कहीं बढ़कर है। ये बात भी आशिकों की है, तो इश्क की बात है। मैं जन्नत ना दें ना दें, यानी अगर हमें जन्नत नहीं मिल रही तो ये कहा जा रहा है कि जन्नत नहीं देंगे, सरकार की ज़ियारत कर लो, तो हम बोलेंगे ठीक है, हम ज़ियारत कर लेंगे। जब ये गुल मौजूद है तो फिर पत्तों को किसने देखा? अब बात इश्क की है, ये जिसको इश्क होगा वो तो बोलेगा हाँ भी सही कह रहे हैं, और जिसका मामला इश्क का नहीं होगा वो बोलेगा यार फिर हम तो जन्नत में चले जाएंगे, फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके मिल लिया करेंगे बाद में कभी कभी, लेकिन हम जन्नत में रहेंगे जन्नत में। ये बेवफा आदमी है भाई, ये सही नहीं है इसका मतलब। आशिकों की नज़र में तो बहुत लारा तुम मलामत का मुस्तक हो जाएगा ये बंदा। पहला शेर है दूसरा एक शेर है, वाह जी आला हज़रत की क्या शान है, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज़ लेती हैं गुनाह परहेज़गारी, वाह 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 जी वाह, क्या मंज़र खींचा है आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने, क़यामत का मंज़र खींचा है। फरमाते हैं कि ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शफ़ात भी किस कदर मोहब्बत को बढ़ाने वाली है, ज़ौक़ अफ़ज़ा है, किस कदर मोहब्बत को बढ़ाने वाली है कि जो आपकी शफ़ात है जब क़यामत का मंज़र होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहगारों की शफ़ात फरमा रहे होंगे, गुनाहगारों के लिए मुतफक्किर होंगे, गुनाहगारों के लिए सोच में पड़े होंगे, गिरिया और जारी फरमा रहे होंगे, अर्श के नीचे सजदे कर रहे होंगे, और दौड़ दौड़ कर कभी पुल सिरात पर, कभी मीज़ान पर, कभी मैदान महशर में दूसरी जगह, हाँ, और यानी क्या बोलते हैं हौज़े कौसर पर, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, इस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मसरूफ़ होंगे किसके लिए, नेकों का, और नेक तो अपने हैं और नेकों की तो खैर है, नेकों पे तवज्जो नहीं होगी ज़्यादा कि नेकों को चलो भाई तुम अपना अपने नाम है माल तुलवा लो, ये कर लो वो कर लो, पता है कि इनकी ये पास हैं, ये लोग इनका मसला, ये अटकेंगे नहीं कहीं, फंसेंगे नहीं, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नेक को बद के नाम या माल से, उसकी मकबूलियत से, उसके अंजाम से बखूबी वाकिफ़ हैं, सब सब के दर्जे जानते हैं, कौन किस दर्जे का जन्नती है
और कौन किस दर्जे का जहन्नमी है, सबका पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो नेकों का तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में है कि ये तो अपने आमाल के ज़रिए वहाँ तक पहुँचेंगे, फिर मैं इनको बाद में देखूँगा, बाद में इनका नंबर आएगा। इसको आप यूँ समझ लें कि बिला तशबीह बिला मिसाल अगर किसी जगह एक्सीडेंट हो जाए और कुछ लोग ज़ख्मी हो जाएं और ज़ख्मियों को लाया जाए हॉस्पिटल में, तो सबसे ज़्यादा तवज्जो डॉक्टर किसको देंगे, जिसको ज़्यादा चोट लगी होगी। अब एक शख्स है उसको सिर्फ और सिर्फ उसको एक उंगली में से उसका नाखून खाली जो टेढ़ा हो गया, कुछ भी नहीं हुआ उसको, और दूसरा है उस किसी की टांग टूटी हुई है, किसी के जनाब ज़ख़म लगे हुए गहरे गहरे, किसी का बाजू उतरा हुआ है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, तो डॉक्टरों की तवज्जो कहाँ होगी, उसकी तरफ होगी ना। अच्छा अब जिसका सिर्फ नाखून ही टेढ़ा हुआ है वो बोलेगा यार डॉक्टर मैं तो तवज्जो नहीं कर रहा ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब मेरी तो तवज्जो क्यों नहीं कर रहे, अब वो ऐसे करें कि जाकर ज़ख्मियों का खून लेके यार किसी ज़ख्मी को बोले यार थोड़ा खून दियो यार अपना, उसके अब यहाँ पे लगा ले, यहाँ पे लगा ले, थोड़ा इधर लगा ले, लगा ले, थोड़ा खून कर्ज दे दो, मेरा खून नहीं है ये तुम्हारा ही, लेकिन मैं तुम्हारे जैसी शक्ल बना लूँ ताकि ये डॉक्टर मेरी तरफ भी तवज्जो करे प्रोटोकॉल के लिए। ये बात इतनी बात समझ में आ गई। अब एक आशिक है जो कि आशिक ज़ार है आकद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और दीदार के लिए बेताब है, और वो देख रहा है कि ये सारी मीठी नज़रें तो उधर जा रही है गुनाहगारों की तरफ, यार अपने को तो कोई देख नहीं रहा, हाँ उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसको ये नेकोकारी बर्दाश्त नहीं हो रही है, हमारे तरफ कोई देख ही नहीं रहा, सारी तवज्जो उधर है, सारे आंसू बहाए जा रहे हैं गुनाहगारों के लिए, हम यहाँ हमसे तो बात भी नहीं हो रही। तो ये नक्शा बनाकर आला हज़रत ने फरमाया कि गुनाहगारों की तरफ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा तवज्जो जब होगी तो ये तमन्ना करेंगे नेकोकार काश यार हम लोग भी गुनाह होते, हम लोग भी गुनाहगार होते, हमारी तरफ भी सरकार शफा, इसलिए नहीं कि हम गुनाह करते, हम गुनाहों की लज्जत नहीं याद कर रहे वो, बल्कि इसको याद कर रहे हैं कि देखो कैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी तवज्जो हो रही है उस तरफ। अब आशिक क्या चाहे, महबूब की तवज्जो, अब वो कैसे भी हासिल हो, अब इश्क वाला समझेगा इसको कि वो खामखा की पट्टी बांध लेगा, मेरे से भी कुछ बात हो जाएगी ना ज़रा, और हम एक किस बात का गम हो, अगर वो पूछ ले हमसे तुझे किस बात का गम है तो फिर किस बात का गम हो, ये आशिकों की बात है, हमें किस बात का गम हो अगर वो पूछ ले हमसे तुझे किस बात का गम है तो फिर किस बात का गम हो। तो आशिक तो यही चाहते हैं और सरकार के आशिक तो ऐसे हैं और दुनिया में किसी के कोई ऐसे आशिक नहीं हुए जो जान देने के बाद भी कहते हैं कि ये मैंने कुछ भी नहीं किया, मज़ा नहीं आया, और कुछ करता तो फिर मज़ा आता सरकार की बारगाह में, और कुछ पेश करता ना। एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूँ मैं, ये आशिकों की बात है, हम जैसे तो मतलब नाकारा ही हैं, हमारा तो कोई यहाँ पे जिक्र नहीं हो रहा, हम तो वो हैं जो वहाँ खड़े होंगे अल-अमान वल-हफीज़ जिनकी तरफ तवज्जो होगी ज़्यादा, हम तो गुनाहगारों में है ना। तो एक और शेर भी, गुनाहगारों में खुद आके शामिल पारसा होंगे, शफी हशर जब दामान रहमत में छुपाएंगे, कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना दामन शफात वसी करेंगे ना कि चलो भाई जो जो गुनाहगार है इधर आ जाए मैं उनकी बख्शिश करवाऊंगा, तो नेकोकार भी आ जाएंगे, सरकार हम भी गुनाहगार हैं, हम कोई नेक भी नहीं, ठीक है हम भी आपके पास ही हैं, बस आप ही हमारी शफात करवा दें,
हम अपने नेकी की बुनियाद पे बख्शे जाने का वादा नहीं करते, यानी तवक्को नहीं रखते, और ना हमें इसका कोई वो है कि भाई हम कुछ नेक हैं। हम भी गुनाहगार हैं, हमें भी गुनाहगारों में आपने लिख लें आप। जैसे अगर हुकूमत कहे कि भाई जितने भी कर्जदार हैं वो अपने अपने नाम लिखवा दो, उसके कर्ज हम उतारेंगे, तो हम भी बोलेंगे यार भाई मेरे पे भी बहुत कर्जा है यार, खा मखा के कर्जा ले लेंगे इससे उससे, यार तुम मुझे दे दे कर्जा दे दे, मैं भी जाके हुकूमत को बोल दूंगा कि मेरे पे तो बहुत कर्जा है, ताकि हुकूमत मेरा कर्जा उतारे, मुझे इस बहाने पैसे मिल जाए। तो आशिकों को सबसे ज़्यादा नज़र चाहिए होती है महबूब की मीठी नज़र, तो इनको गोया के रश्क आ रहा होगा आशिकों को, ये जो नेक नेकोकार होंगे यार सारी की सारी मीठी नज़रें जो हैं वो तो गुनाहगारों पे हो रही हैं, तो क्यों ना हम भी गुनाहगारों में शामिल हो जाएं चल के। तो क्या ही ज़ौक अफ़ज़ा शफ़ाद है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती हैं गुनाह परहेजगारी, यानी गुनाहगारों से परहेजगार गोया कहेंगे कि हमें अपने अमाल में से कुछ हमारी उसमें डाल दो यार, ताकि हम पे भी रहम आ जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ऐसा जैसे तुम पे आ रहा है। ये आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त है, उनकी मेहरबानी है, करम नवाजी है, और देखिए हमें वहाँ तक आला हज़रत ने पहुँचाया। देखिए इमाम इश्क मोहब्बत कहा जाएगा इनको, कि वाकई इमाम इश्क मोहब्बत है, कि अगर मदीना शरीफ की हाज़िरी में अगर किसी को इनका कलाम मिल गया और इनका ज़ौक़ का एक हिस्सा उनको मिल गया, समझ लें उसकी हाज़िरी हो गई फिर, वरना वो सूखा सूखा जाएगा बेचारा, सूखा सूखा आ जाएगा, लुत्फ नहीं आ सकेगा उसको। ऐसा जैसा कि अगर वो यानी इस बार का ये जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये था हाज़िरी हुई, तो जो है ना वो ले गए हम जो ना क्या बोलते हैं हदाय की बख्शिश। तो दो तीन बार ऐसा हुआ कि सब्ज़ गुंबद के साए में या उससे थोड़ा सा दूर ना फासले पर रात के टाइम जो है ना मौका मिल गया, शुरते शायद वहाँ से बंद करना भूल गए या क्या हुआ, अब काफ़ी सारे लोग वहाँ पे ना आके फैमिलीज आ गई उनकी बैठ गई, तो इत्तेफाक से मैं और फारूक था हम लोग दोनों बैठ गए वहाँ पर। तो फिर ये हमने खोली आदाय के बख्शिश, इसमें तकरीबन हर नात में से कुछ ना कुछ अशार सरकार को सुनाए। हमने अर्ज़ की सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह हमें तो कुछ आता जाता नहीं है, आपके एक लाडले आशिक हैं आला हज़रत, उन्होंने आपकी बारगाह में कुछ कलाम पेश किया है, हम उनके ज़बान से अपना हाल बयान करना चाहते हैं ताकि इनका हाल हमें अता हो जाए, जो इनकी तरफ निगाह तब यानी करम है और तवज्जो वो हमको भी मिल जाए कुछ। तो माशाल्लाह बहुत अल्लाह तबारक व तआला के करम से बड़ा लुत्फ़ और बड़ी कैफियत महसूस हुई, क्योंकि आला हज़रत लग रहा था कि हमारे जैसे ना ख़ास नज़र है आला हज़रत की हमारी तरफ, और हम बड़ी उनके साय में हमने हाज़िरी दी है, ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके साय में हाज़िरी दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम तो भी बुज़ुर्गों की तवज्जो और उनके तसर्रुफात के कायल हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इसका कायल होता है वो इनके समरात अपनी आँखों से देख लेता है। क्या आँख वाला तेरे जुबन का तमाशा देखे, दीदा एक कोर को यानी अंधी आँख को क्या आए नज़र क्या देखे, हमारे ये बोला।